नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपको बताते चलें, अयोध्या में 22 जनवरी को जी हाँ दीपावली महोत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि मैं बताते चलूँ, हर शहर, हर गांव, हर जगह 22 तारीख को दीपावली मनाने की अपील की जा रही है। और सोचा मैंने भी अपील करी है बहुत जगह। जी हाँ मित्रों, अभी बताते चलूँ, मैं अभी अयोध्या के ही पास हूँ और आपको कुछ क्षण में अयोध्या के भी दर्शन कराएंगे। और आप लोग भी 22 जनवरी को दीपावली महोत्सव मनावे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ठीक है। और आप लोग भूल मत जाना 22 जनवरी को। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों अभी हमें हाईवे पर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे हाईवे चल रहा है, पीछे गाड़ियों का वाहन चल रहा है यहाँ पर। और ठंड का मौसम है, बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है। हालांकि मैं बता चलूँ, इधर नीचे गहरा है बहुत ज़्यादा, इधर ट्रैक्टर जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बता देते हैं, यहाँ पर जो ये रोड डला हुआ है ना, बहुत अच्छा डला हुआ है और बहुत अच्छे रोड डला हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग अयोध्या में बागी सुल्तान सरकार की कृपा से, बालाजी की कृपा से, देख सकते हैं यहाँ पर वाहन चल रहे हैं। तो अयोध्या में दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और इसे देखो बाइक वाले हेलो आए कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए अयोध्या में श्री राम जी के। तो आप लोग भी अयोध्या में आमें और दर्शन कर सकते हैं आप लोग, और जी भर कर यहाँ श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और घर घर दीपावली मनाने की अपील की जा रही है। मैंने भी अपील की है, बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे ठंड का मौसम है और बाइक बहुत तेज़ चल रही है, क्योंकि हाईवे है यहाँ पर, फुल हाईवे पर अब लोग चला रहे हैं, वीडियो बन रही है और बहुत अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पर देख सकते कारियों का, कार का वाहन चल रहा है, यहाँ पर हाईवे है पूरा रोड। तो अभी मैं नीचे दिखा दूँगा आपको किस तरीके से यहाँ पर लोकेशन चल रही है। देखिए मैं इस टाइम उतर रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे ऊपर रोड रह गया, यहाँ से देखो नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नीचे रास्ता जा रहा है उतरने का, ढाल है। तो आप वीडियो को शेयर करते रहे। मैं नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं, सुबह को देख रहे हैं तो सुबह हो गई है और शाम को देख रहे हैं तो शाम हो गई है, क्योंकि सुबह और शाम का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आपको बताते चलें, आपको ठंड का मौसम है, जनवरी चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। दिन और सुबह रात्रि का कुछ पता नहीं चल रहा है, रात हो रही है या दिन हो रहा है, बस मन करता है रिजाई में पड़े रहो। मगर रिजाई में आप लोगों की आदत होगी नहीं पढ़ने की, मैं बहुत सोता हूँ रिजाई में। तो आप लोग भी कितना सोते हो रिजाई में, कमेंट बॉक्स में नीचे बोलें। चलिए अयोध्या में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की आदित्य योगीनाथ महाराज करा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार संभाल रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार का था गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में चल रही है। आज परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी हाँ गोरखपुर से अपने धाम आएंगे, धाम के बाद जाएंगे कहाँ, अयोध्या। हो सकता है वहीं से अयोध्या जामें, मगर अयोध्या में श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी की श्री राम कथा चल रही है। जी हाँ, रामभद्राचार्य जी महाराज जी जो आप लोग कथा सुनते हैं, परम पूज्य गुरुदेव सरकार के गुरुदेव हैं और बहुत अच्छे से मीठी कथा सुनाते हैं, उनके दोनों नेत्र नहीं हैं और बुजुर्ग हैं, 72 साल की आयु हो चुकी है, पर उनकी जगत गुरु कहलाते हैं वो, जगत गुरु की 72 साल की आयु है तो भी चमक उनके चेहरे पर देखो गोल मटोल से हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या में लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जहाँ तक कि मेरे को पता है और मैंने अपने क्षेत्र में भी पता करा है कि हर किसी के घर अयोध्या से निमंत्रण आया है, अयोध्या का एक चित्र आया है, घर घर पहुंचाया गया है। तो आप लोग अयोध्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता मैं। बड़े ही आप लोग देखो, उसके साथ चावल भी आए होंगे। अब आप सोच रहे हो चावलों का कुछ पता नहीं, चावलों का क्या करें, आप पूजा स्थान पर रख सकते हैं और यहाँ अन्नपूर्णा अपना खाना बनता है रसोई में, तो वहाँ चावलों में चावल मिला सकते हैं। और ये करक्रिया आपके प्रभु कृपा करें, आपका कभी घर का राशन खत्म ना हो, है ना। और बड़े सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि सनातन धर्म माय फर्स्ट लोग बागेश्वर धाम सरकार के चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो अद्भुत सा ये दृश्य लगता है, अच्छा लगता है। इधर रोड चल रहा है, हाईवे देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी जा रही है,
तो इधर से देखोगे तो उजाला सा होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो दिन हो रहा, फिर ये रात हो रही, कुछ बताना रहे। दरअसल क्या है, लाइट की वजह से इधर को खड़ा हूँ तो मैं लाइट की वजह से चेहरा थोड़ा साफ आ रहा है ना, तो चेहरा बिल्कुल गंदा आ रहा है, ये है रीजन। अब मैं आपको बता दूँ, चलो इधर लाइट है तो मेरा चेहरा थोड़ा साफ आ रहा है, ना तो इधर को गर्मा तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, इधर लाइट जल रही है देखो, तो इसकी वजह से चेहरा थोड़ा साफ आ रहा है। तो आप लोग और बताइए, सब लोग कैसे हैं, अच्छे हो गए और इस बार आपको अच्छे ही रखे, और क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बता, आप ही खुद बोलो कुछ। तो काम बहुत डाउन चल रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत डाउन चल रहा है, क्या करें, चलो जैसा है प्रभु की इच्छा, कभी ना कभी तो चाल शुरू होगा, मतलब चलना सही होगा, क्योंकि कहते हैं हरी से जुड़े जुड़े रहिए, बनत बनत तेरी बन जाएगी, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, एक दिन तेरी भी बन जाएगी। तो मित्रों, एक ना एक दिन आपकी भी बन जाएगी, बताता चलूं एक बार। तो मित्रों, कह रहे थे हम, अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी वृंदावन में कथा चल रही है, और बड़े ही आपको बताते चले, 151 कन्याओं का विवाह का महोत्सव मनाया जा रहा है। आप रसोई के लिए योगदान देना चाहें तो दे सकते हैं, है ना, बागेश्वर धाम में 151 लड़कियों का 1 मार्च से शुरू है कार्यक्रम, तो रसोई के लिए कुछ योगदान देना चाहें तो दे सकते हैं। कन्या विवाह में कुछ भी दान देना चाहते हैं, कोई भी सहायता या सेवा करना चाहते हैं तो धाम पे आ जाएं, बहुत सारे वहाँ पे सेवादारों की ज़रूरत है, ऐसा ना आपको सेवा के लिए लगा दिया गया हो और आप ही माहौल बिगाड़ें, तो ऐसा ना करें धाम पे आकर। तो आप लोग आमें, मैं क्या कह रहा था, ध्रुव की बन गए, प्रहलाद की बन गए, एक दिन तेरी भी बन जाएगी, तो कभी ना कभी हमारा यूट्यूब चैनल भी फिर से सक्सेसफुल होगा, फिर से चलेगा, भले ही अभी परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के नाम से अनेक प्रकार के यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, और अनेक लोग अपने अपने धर्म के मार्ग पर वो वीडियो दिखा रहे हैं, और जहाँ तक कि मैं बताता चलूँ, जहाँ तक भी हो रहा है कि मेरे से अपने तरफ से मैं जानकारी दे रहा हूँ, अगर कुछ छूट जाता हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, क्योंकि दरअसल क्या है, इस टाइम मेरे पास काम का थोड़ा वो हो गया है, पैसे भी थोड़े ख़त्म हो गए हैं, उसकी वजह से घर का काम भी रुक गया है। तो आपको देख सकते हैं, रात्रि का बहुत समय है, मैं अभी खेतों की तरफ हूँ और यहाँ रोड है, तो मैं यहाँ पे क्या करना आया था, दरअसल मैं बताता चलूँ, इधर उपले पत्थर हुए हैं यहाँ पर, तो मैं क्या करना आया था, यहाँ पर लेना आया था मैं चुकंदर, आप लोग चुकंदर खाते हो, यहाँ पर चुकंदर का खेत है, यहाँ पर इधर देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, तो मैं चुकंदर लेके जाऊँगा खाने के लिए, मीठे मीठे हैं यहाँ पर चुकंदर, बहुत अच्छे लग रहा है, तो इसलिए चुकंदर लेने आया हूँ। तो इतने मिलता हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय शंकर भगवान की, ओम नमस्तुभ्यम, ओम बागेश्वराय नमः, वीर वीराय नमः, जय बालाजी महाराज की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।